क्या बात है, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है आप? मुझे तो नहीं लग रहा, क्या हुआ है? आप बैठ के बात करते हैं। तू बैठ। अरे चल तो सही यार, आ जा आ जा आ जा। बैठ। वाकई बहुत कमजोर हो गई हैं ताहिर। हाँ, परेशानी ने उन्हें आधा कर दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कहता है कि उनको फिक्र नहीं करनी, और वो कहते हैं कि फिक्र के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। तो तुम उन्हें वक्त दिया करो ना, उनके साथ बैठा करो, बातें किया करो उनसे। 24 घंटे उनके साथ तो नहीं बैठ सकता ना सोबिया। सुबह काम पे जाता हूँ और अब तो मैंने पार्ट टाइम एक जॉब भी ढूंढी है शाम में। तो वो जो काम वाली है नजमा, उसका क्या? उससे कहो कि पप्पू का ख्याल रखे। मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं खुद आकर उनका ख्याल रखूंगी। वाकई? हाँ। सभी भी कह रही थी कि अम्मा की खिदमत के लिए एक बहू ले आओ। क्या क्या मतलब? क्या यानी तुम एक लड़की से शादी सिर्फ इसलिए करोगे ताकि वो तुम्हारे घर के सारे काम काज कर ले? मैंने भी सभी को यही कहा। मैंने कहा इससे बेहतर है कि एक मेड का बंदोबस्त कर। ये आइडिया बेहतर है। और ताहिर, ये शादी के झमेलों में मत पड़ो, अभी अपने करियर पे फोकस करो, अपना करियर बना। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। सही है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो ये बात है। हाँ यार, मेरी बात है, तू ही बता क्या करूँ मैं। देखो भाई साहब, मेरी मानो तो दिल के मामले में देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लो और घर चक्कर लगा लो। इतनी छुट्टी मिल सकती है मुझे? आराम से मिल जाएगी यार, तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है ना। जॉब शुरू होने से पहले तुम हफ्ते 10 दिन के लिए घर से हो आओ। तो फिर क्या कहते हो? आइडिया बुरा नहीं है, मशवरा तूने अच्छा दिया यार। पूछता हूँ। हर बात मनवाने की आदत है मुझे, अजीब आदत है, लेकिन क्या करूँ, ऐसा ही हूँ। तुम्हें आदत है ख़राब की है मेरी, सर चढ़ा रखा है मुझे। अपनी मर्जी तुम पर चलाना अपना फ़र्ज समझता हूँ। मेरा माजी कोई ठंडी राख नहीं है, सुलगती हुई आग है जिसने मेरा हाल मुस्तकबिल सब कुछ अपने लपेटे में ले लिया। और शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता अगर तुम ना। मुझको मेरे दिल।